हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 24 राज्यों में आज तेज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के पश्चिमी इलाके में आज भारी बारिश की आशंका। पिछले 24 घंटों में 16 जिलों में हुई तेज बारिश, जबकि 16 अन्य जिलों में सामान्य वर्षा हुई। बिहार के कई इलाकों में भी आज हो सकती है तेज बारिश। चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, अररिया, सीतामढ़ी, सुपौल, कटिहार और मधेपुरा को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली में आज हल्की बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में छाए रहेंगे बादल। दिल्ली में आज और बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान को पार कर चुकी है यमुना। 10 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है पानी। यमुना में हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसिक पानी और छोड़ा गया। आज 207 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का पूर्वानुमान। आईएमडी की तरफ से जारी किया गया रेड अलर्ट। पिथौरागढ़ के धारचूला में दिखा खौफनाक मंजर। नदी के तेज बहाव में बहा मकान। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में बेकाबू अलकनंदा की धारा। चमोली में घाट के किनारे बने मंदिर पानी में डूबे। उत्तराखंड के चमोली में जुम्मा नदी का बढ़ा जलस्तर। नीति पास को जोड़ने वाले ब्रिज पानी की तेज धार में बहा। देहरादून में लगातार बारिश से नया गांव शिमला बाईपास पर भरा पानी। जिला प्रशासन ने रस्सी के सहारे कई लोगों को रेस्क्यू किया। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। प्रशासन ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की। हरिद्वार के लक्सर इलाके में बाढ़ के हालात। सोनाली नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में भरा पानी। नदी की तेज धार से बह गई सड़क। केदारनाथ धाम में रोकी गई यात्रा। उत्तराखंड में भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से रुकी यात्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कई इलाकों का किया दौरा। बारिश से प्रभावित इलाके के लोगों से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में जुलाई के पहले 10 दिनों में 200% से ज्यादा बारिश हुई। करीब 250 मिलीमीटर हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से पिछले 3 दिनों में 31 लोगों की गई जान। राज्य के डीजीपी का बयान। हिमाचल में मूसलाधार बारिश ने मचाया हाहाकार। करीब 1300 सड़कें, 40 बड़े पुल हुए क्षतिग्रस्त। कुल्लू के सेंज क्षेत्र में करीब 40 दुकानें, 30 मकान बह गए। मुख्यमंत्री सुखू ने कसौल, मणिकरण, खीरगंगा और पुलगा क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। लाहौल और स्पीति जिले के चंद्रताल झील क्षेत्र में अब तक 250 पर्यटक फंसे हुए हैं। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में आ रही है काफी दिक्कत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लगातार बारिश से कई घरों में आई दरार। प्रशासन के लोगों से अपील, अपने घरों को करें खाली। चंद्रताल के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बोले सीएम सुक्खू, बारिश बंद होते ही सभी फंसे हुए पर्यटक को निकाल लेंगे। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू से मांग की, कहा युद्ध स्तर पर हो राहत कार्य। पंजाब और हरियाणा में 3 दिन से हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। करोड़ों की संपत्ति बर्बाद। भारी बारिश से हरियाणा का अंबाला बुरी तरह से प्रभावित। कई कॉलोनियों में भरा पानी। अंबाला के एक स्कूल में भरा पानी। स्कूल के 750 बच्चे और स्टाफ फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। अंबाला के कई इलाकों में भी फंसे लोग। प्रशासन की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। मोड़ी गांव में प्लेन की थीम पर बना रेस्टोरेंट डूबा। गुरुग्राम के नरसिंहपुर में बारिश का पानी निकालने के लिए पंप मंगाना पड़ा। हर साल NH-48 पर भर जाता है बारिश का पानी। पंजाब के फतेहगढ़ में मूसलाधार बारिश। लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। मथुरा में बढ़ा यमुना का जलस्तर। निचले इलाकों को जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश के ASR जिले में बोरा घाटी के पास लैंडस्लाइड। रेलवे लाइन पर गिरे बोल्टर, रोका गया ट्रेनों का परिचालन। रेलवे लाइन के आसपास भारी मात्रा में गिरा मलबा। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी को दिया जीत का मंत्र। विजय संकल्प अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। अमित शाह ने मंगलवार की रात भोपाल में बीजेपी कार्यालय में की बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक। करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग। अमित शाह ने बीजेपी विधायकों के साथ की 1-to-1 मीटिंग। सीनियर पदाधिकारियों के साथ भी की मुलाकात। मोदी स्वर्णिम मामले में आज राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह। मुंबई में आज मंत्रालय के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह। कांग्रेस के सभी नेता होंगे सत्याग्रह में शामिल। पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह। सुबह 10 बजे से प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता करेंगे सत्याग्रह। तेलंगाना और राजस्थान में भी कांग्रेस करेगी मौन सत्याग्रह। सभी राज्य के मुख्यालय में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। बिहार विधानसभा की मॉनसून सेशन के 3rd दिन हंगामे के आसार। बीजेपी करेगी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग। बिहार विधानसभा में 2rd दिन हुआ जोरदार हंगामा। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी। सदन के बाहर भी नारेबाजी।
मैंने तो पहले ही कहा था मुझ पर होगी चार्जशीट, बीजेपी के हंगामे पर बोले तेजस्वी यादव। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति का दिया आदेश, कांग्रेस और टीएमसी ने केंद्र के फैसले को दी थी चुनौती। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं पीएम, यह आज साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार की बड़ी हार, के सी वेणुगोपाल का बयान। ईडी डायरेक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी बनाने वाले भ्रमित गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोर्ट ने ईडी के संशोधनों को सही ठहराया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना, जेपी नड्डा की बनाई बीजेपी सांसदों की कमेटी के कन्वेयर नियुक्त। रविशंकर प्रसाद ने बताया सांसदों की कमेटी पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा, कमेटी राष्ट्रपति को सौंपेगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार काउंटिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठे, मतगणना में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीडीओ पर लगाया रिजल्ट बदलवाने का आरोप, कहा बीडीओ टीएमसी के एजेंट के रूप में कर रहे हैं काम। बंगाल में हिंसा के बीच हुई पंचायत चुनाव की काउंटिंग, टीएमसी को 16,330 सीटों पर जीत मिली। दुर्गापुर के काक्सा में काउंटिंग के दौरान मारपीट, लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। बंगाल के डायमंड हार्बर में एक काउंटिंग सेंटर के बाहर फटे देसी बम, दूर तक उठता दिखा धुआं। पश्चिम बंगाल की पूर्वी मेदिनीपुर में देसी बम धमाका, टीएमसी कार्यकर्ता घायल, पुलिस ने कई बम बरामद किए। घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घटना के बाद से इलाके में तनाव, पुलिस के जवान मौके पर मौजूद। सीएम ममता बनर्जी पर बरसी बीजेपी, कहा खुलेआम हुई वोटर्स की हत्याएं, हिंसा पर चुप क्यों विपक्ष के नेता। 24 नॉर्थ परगना के काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे गवर्नर सीवी आनंद बोस, कहा कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अधीर रंजन चौधरी का अटैक, सत्ता में बने रहने के लिए टीएमसी करा रही है हिंसा, बंगाल में कानून व्यवस्था गायब। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बाद पलायन, 133 लोगों ने असम के धुबरी में ली शरण, सीएम हेमंत ने ट्वीट करके दी जानकारी। असम के करीमगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बराक घाटी की दो विधानसभा सीटों को कम करने के प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, मशाल लेकर समर्थक कर रहे थे नारेबाजी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पानी की बौछार की, मशाल पर स्प्रे का छिड़काव कर बुझाने की कोशिश की। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने की बैठक, लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारियों के साथ की मीटिंग। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जासूसी का आरोप लगाया, कहा आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जासूसी करवा रहा है केंद्र। कांग्रेस की अगुवाई में 17 से 18 जुलाई को होगी विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, बेंगलुरु में 24 दल होंगे शामिल। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ चल सकता है यौन शोषण का केस, दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में 18 जुलाई को पेशी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में महिला पहलवान के 6 जगह पर उत्पीड़न का जिक्र, ब्रिजभूषण पर यौन शोषण, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराध में चल सकता है केस। पुलिस के मुताबिक ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 21 गवाहों ने दर्ज करवाया है बयान, 6 गवाहों ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दिया। एनआईए अदालत आज इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों की सजा का करेगी ऐलान, कोर्ट ने 4 आतंकवादियों को मंगलवार को दोषी करार दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आज ग्रेटर नोएडा में सजेगा दिव्य दरबार, सुबह 10 बजे से बाबा निकालेंगे लोगों की पर्ची। बारिश के बावजूद बाबा बागेश्वर के दरबार में जुट रही है भारी भीड़, कहा सनातन धर्म से ही देश का अस्तित्व, इसे हर साल में बचाएंगे। कर्नाटक के हम्पी पहुंचा G20 डेलीगेशन, लंबनी जनजाति के क्राफ्ट वर्कर्स से की मुलाकात। G20 प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य। 13 जुलाई को गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। बेंगलुरु के अमृतहल्ली इलाके में डबल मर्डर, एक निजी इंटरनेट कंपनी के MD और CEO की पूर्व कर्मचारी ने की हत्या। पुलिस के मुताबिक आरोपी फेलिक्स का MD से कारोबार को लेकर मतभेद था, उसी के बचाने के दौरान CEO पर भी हमला। असम के तिनसुकिया में करीब 1.5 दर्जन घरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, आसपास की कई झुकी झोपड़ी आग की चपेट में आई। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं, घरों में रखे सामान जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में थर्मल पावर स्टेशन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों के 2 कैंप ध्वस्त किए, सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के खिलाफ चला रहे हैं अभियान। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला 4 IED, जवानों ने IED को डिफ्यूज किया। सुकमा में DRG, STF और कोबरा जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाया अभियान, जवानों को निशाना बनाने के लिए IED किया था प्लांट।
मथुरा में बाइक सवार तीन बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूट। पुलिस ने एनकाउंटर में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट के बाद की घेराबंदी। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूट के पैसे, हथियार और बाइक बरामद किया। बदमाशों का एक साथी फरार। यूपी के बाराबंकी में क्राइम ब्रांच की टीम पर बदमाशों ने किया हमला। एक पुलिस का जवान घायल। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों को लगी गोली। पेट्रोलिंग के दौरान बदमाशों ने किया अटैक। तीनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा पुलिस ने फ्रॉड करने वाले तीन लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों पर नोएडा अथॉरिटी की FD में फ्रॉड करने का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खाते में रखे 5 लाख रुपए को किया फ्रीज। इनके पास से दो फर्जी FD के कागज, नोएडा अथॉरिटी का लेटर भी मिला। रायबरेली में नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने नकली नोटों के साथ दो लोगों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में पुलिस ने 45 गांजा तस्करों को पकड़ा। तस्करों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद। सूरत में इंडस्ट्रियल शेड की दीवार गिरी। मलबे में 4 मजदूर दबे, 1 की मौत। कुकी जनजाति की सुरक्षा मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कहा सेना अर्धसैनिक बलों को इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा 3 महीने का दिया समय। आर्टिकल 370 पर 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 27 जुलाई तक दस्तावेज सबमिट करने को कहा गया। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ अगले 2 हफ्ते तक नहीं होंगे गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से मिली राहत। तमिलनाडु के करूर में मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े कई जगहों पर इनकम टैक्स की रेड ईडी के बाद IT ने भी कसा शिकंजा। तमिलनाडु में 10 जगहों पर IT का छापा। DMK के मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई अशोक से जुड़े ठिकानों पर रेड। लखीमपुर खीरी कांड में सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को राहत। अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ाई गई। प्रयागराज में अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और FIR दर्ज। 50 लाख की रंगदारी और धोखाधड़ी कांड। दिल्ली के द्वारका में हथियार तस्कर गैंग का खुलासा। पुलिस ने 14 हथियारों के साथ 3 लोगों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में SIU का एक्शन। 4 आतंकियों के घरों पर की दबिश। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस में NIA की रेड। पुलवामा समेत 5 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद। SDM ज्योति मौर्य केस में कमांडेंट मनीष दुबे 3 मामलों में दोषी। कॉल रिकॉर्डिंग ने बढ़ाई ज्योति मौर्य की भी मुश्किलें। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के बाद 18 लोगों की एक आंख की रोशनी गई। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का अलीगढ़ में प्रदर्शन। जनसंख्या कानून लाए जाने की मांग की। हरियाणा के CM खट्टर ने PM मोदी से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर हुई चर्चा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से मिले NSA अजीत डोवल। बोले आतंकवाद किसी धर्म से जुड़ा नहीं। NSA अजीत डोवल ने कहा भारत में इस्लाम की अपनी पहचान। इंडिया दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा भारतीय मुस्लिमों को अपनी नागरिकता और संविधान पर गर्व। दिल्ली में जयशंकर से मिले मालदीव के विदेश मंत्री। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री कई मुद्दों पर। तमिलनाडु के ऊटी में RSS की बैठक। 13 से 15 जुलाई तक चलेगी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की मीटिंग। चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग रिहर्सल पूरा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का किया जाएगा लॉन्च। लेह में नोमैडिक उत्सव में शामिल हुए दलाई लामा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। बाबा अमरनाथ की हुई आरती। मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों और भक्तों ने की शिवलिंग की पूजा अर्चना। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। भारत से हज करने के लिए गई 101 महिलाएं आज सऊदी अरब से दिल्ली लौटी। बिना मरहम गई थी हज के लिए। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को लगा झटका। यूक्रेन की सदस्यता पर नहीं बनी सहमति। स्वीडन को किया जाएगा शामिल। नाटो महासचिव स्टेल्टनबर्ग ने यूक्रेन की सदस्यता पर कहा यूक्रेन को पहले रूस से युद्ध जीतना होगा। जब अस्तित्व में आएगा तभी सदस्यता की बात होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो की असहमति पर जताई नाराजगी। कहा अनिश्चितता कमजोरी की निशानी। सम्मेलन में रखेंगे अपनी बात। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी पत्नी के साथ नाटो लीडर्स के डिनर में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया जापान न्यूजीलैंड के PM हुए शामिल। इसराइल में नए कानून संशोधन के खिलाफ विरोध जारी। तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों ने किया प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की समिति सीमित करने वाले कानून को दी शुरुआती मंजूरी। लोगों ने मुख्य हाईवे को भी किया जाम। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के पास हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 6 लोगों के शव बरामद। माउंट एवरेस्ट के पास हुआ था हादसा। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए मेक्सिको के 5 पर्यटक और 1 नेपाली पायलट। सभी के शव काठमांडू लाए गए। हादसे की वजह साफ नहीं। फ्रांस में नेशनल डे परेड से पहले एयरफोर्स का रिहर्सल। राफेल सहित AWACS और हेलीकॉप्टर्स ने दिखाई करतब।
पेरिस में 14 जुलाई को मनाया जाएगा नेशनल डे। पीएम मोदी होंगे परेड के चीफ गेस्ट। भारतीय सेना की टुकड़ी भी करेगी शिरकत। भारत वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज डोमिनिका में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। वेस्टइंडीज के डोमिनिका में टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। विराट शुभमन समेत सभी खिलाड़ी हुए शामिल। बीसीसीआई ने शेयर किया प्रैक्टिस का वीडियो। लिखाई है एक कलरफुल फील्डिंग प्रैक्टिस है। ट्रेनिंग सेशन के बाद रोहित शर्मा जिंके रहाणे का इंटरव्यू लेते हुए नजर आए। रोहित के पूछने पर बोले मैं अभी जवान हूँ। भारतीय वुमेन्स टीम ने दूसरे टी20 में बांग्लादेश को 8 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे। भारतीय वुमेन्स टीम ने बांग्लादेश को 95 रन का दिया था टारगेट। बांग्लादेश की टीम 87 रन पर हुई ऑल आउट। भारत के लिए दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने 3-3 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनी। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए। दोनों टीमों को 15 बैटर डबल डिजिट तक नहीं पहुंचा। हरमनप्रीत कौर ने टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में की एंट्री। 4 स्थान का हुआ फायदा। तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने 7 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने 2-1 से जीती सीरीज। एशिया सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने टीम का किया ऐलान। टीम में कोई बदलाव नहीं। श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर तीसरी बार आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। एशियस टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन का मिला पुरस्कार। अपनी फिल्म एलजीएम के हीरो हरीश कल्याण के साथ दिखे धोनी। एक्टर ने शेयर की तस्वीर। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 का फर्स्ट लुक आया सामने। अगस्त 2024 में फिल्म होगी रिलीज। राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर जारी किया फर्स्ट लुक। इस बार दिखेगा सरकटे का आतंक। स्त्री करेगी रक्षा। कार्तिक और कियारा की फिल्म सत्यप्रेम की कथा ने 100 करोड़ क्लब में की एंट्री। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 101 करोड़ का आंकड़ा पार। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 आज भारत में होगी रिलीज। जबरदस्त ओपनिंग की उम्मीद। ब्रिटेन दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समझ नहीं पाए रॉयल प्रोटोकॉल। किंग चार्ल्स उन्हें समझाते दिखे। बाइडेन ने प्रोटोकॉल तोड़ चार्ल्स की पीठ पर रखा हाथ। दुबई की सड़कों पर घूमता नजर आया सफेद रंग का एक ऑटो रिक्शा। शादी और फोटो शूट के लिए उपलब्ध है। ऑटो चलाने के लिए परिवहन विभाग से बाइकर लाइसेंस लेना होगा। पाकिस्तान में थप्पड़ कबड्डी का वीडियो वायरल। एक खिलाड़ी दूसरे पर थप्पड़ की बरसात करता नजर आया। बिग बॉस फेम पुनीत सुपरस्टार जरूरतमंदों को खाने का पैकेट बांटते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर फैंस ने तारीफ की। सोशल मीडिया पर ड्रोन से पिज्जा डिलीवरी का वीडियो वायरल। डिलीवरी बॉय ने उड़ते हुए सुपर हीरो की तरह डिलीवरी की।